तो आज हम बात करेंगे KGF और सलार के बारे में। कौन सी मूवी है सबसे बेहतर, और क्या सलार और KGF एक यूनिवर्स में आने का कोई भी चांसेस है, और क्या सलार 2 में भी इतना ही दम है जितना KGF 2 में था। और सबसे मेन बात, अगर सलार वर्सेस KGF यस का फाइट हुआ तो इन दोनों में कौन जीतेगा, ये सब के बारे में आज जानने से पहले एक बार सब्सक्राइब बटन को दबा दो यार, अगर आपको हमारी हार्ड वर्क अच्छी लग रही है तो। चलिए शुरू करते हैं, कौन सा मूवी सबसे बेहतर है। तो हमारे हिसाब से KGF ने जो छाप छोड़ी थी वो अब तक सलार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सलार मूवी में इतना सारा कुछ डाल दिया गया है, शायद वो अब पार्ट 2 जाके मजा आएगा। और KGF 2 जिसके सारे बैकग्राउंड म्यूजिक, सॉन्ग्स, एक्टिंग और खासकर विलन्स ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया था, तो हमारे हिसाब से KGF मूवी सलार 1 से काफी बेहतर है। क्या सलार यूनिवर्स KGF यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकता है, तो इसका सीधा आंसर है नो, क्योंकि प्रशांत नील ने खुद कहा था कि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ये दोनों यूनिवर्स को वो मिला सके। लेकिन हमें लगता है ये हमें गुमराह करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अब एक र्यूमर आ रहा है कि शिवा मन्ना को KGF यूनिवर्स में एक छोटा सा कैमियो देखने को मिल सकता है। इसका ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है, फुल इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपलोड किया गया है। तो बहुत चांसेस है कि हमें प्रभास वर्सेस यश को एक यूनिवर्स में देख सकते हैं। क्या सलार 2 में इतना ही दम है जितना KGF 2 में, इसका आंसर है यस, क्योंकि सलार पार्ट 2 सलार पार्ट 1 से 100 टाइम्स बेटर होने वाला ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी सलार 2 के सारे प्लॉट को ध्यान में रखते हुए मूवी को बनाया जा रहा है। सलार और KGF यस का फाइट हो तो कौन जीतेगा? भाई जीतेंगे तो दोनों ही, क्योंकि प्रशांत नील जानते हैं ये दोनों ही बहुत बड़े एक्टर है, तो इन दोनों को मिलकर ही दुश्मनों से लड़ना होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी विलन नहीं बन सकता। अब आपका इन दोनों मूवी में से कौन सा मूवी सबसे ज्यादा फेवरेट है हमें कमेंट में बताएं।